चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सीएसएस लेआउट की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट की। किसी ब्लॉक टाइप के एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर कैसे करते हैं या फिर वर्टिकली इसको सेंटर कैसे करते हैं, तो उसकी पोजीशन को कैसे सेट करते हैं, यहाँ पर यही हम लोग करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई डिव एलिमेंट है और इस एलिमेंट को हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी की, और इसमें वैल्यू लेते हैं आटो। आटो करने का मतलब यह है कि आपको उसकी विद हाइट सेट करने की ज़रूरत नहीं है सेंटर में लाने के लिए। आप आटो करेंगे तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस डिव एलिमेंट को यानी ब्लॉक टाइप का जो एलिमेंट है उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में ले आएगा। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, तो इस एग्जांपल में ये जो आपका ग्रीन बॉर्डर वाला जो HTML एलिमेंट है, ये सेंटर क्लास वाला एलिमेंट है। तो सेंटर क्लास वाला एलिमेंट कौन सा, ये डिव एलिमेंट है, क्योंकि इसी का क्लास सेंटर है, ठीक है। तो इसी को सेंटर में लाया गया है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके कंटेनर के रिस्पेक्ट में। तो इसका कंटेनर कौन है, कंटेनर है इसका बॉडी, बॉडी के हिसाब से इसको सेंटर में लाया गया। यानी कि जो आपका वाइट वाला जो दिख रहा है ये बॉडी है, और इसी के हिसाब से ये जो HTML डिव एलिमेंट है ग्रीन बॉर्डर वाला, ये इसके सेंटर में दिख रहा है। अगर आप थोड़ा इसकी साइज़ को बड़ा करते हैं तब भी आप देखेंगे दोनों साइड से ये जो HTML एलिमेंट है डिव एलिमेंट, ये अपने को साइज अपनी साइज़ ये बढ़ा रहा है, ताकि ये जो बॉडी है इसके सेंटर में अपने को रख सके। तो इस तरीके से ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने डिव क्लास सेंटर क्लास वाला जो डिव एलिमेंट है उसके ऊपर CSS अप्लाई किया है। इसमें क्या क्या किया, आपने मार्जिन रखा है आटो, तो इसी से ये जो एलिमेंट है डिव एलिमेंट है ये सेंटर में आ जाता है अपने पेरेंट या कंटेनर HTML एलिमेंट के हिसाब से। तो और यहाँ पर विड्थ जो है वो 60% दिया है, तो ये बता रहा है कि इसका जो पेरेंट है यानी कि सेंटर क्लास वाला जो डिव एलिमेंट है इसका पेरेंट कौन है, बॉडी है। तो बॉडी के जो 100% विड्थ होगी उसका 60% विड्थ जो है वो ये डिव एलिमेंट कैप्चर करके रखेगा। इसलिए आपको ये दिख रहा होगा अभी दोनों साइड से थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो इसको दोनों साइड से जो छूटा हुआ है लेफ्ट राइट में ये 40% है, और बीच वाला जो हिस्सा है डिव का ये 60% है। किसके हिसाब से 60% है, ये अपने कंटेनर यानी कि जो पेरेंट कंटेनर है उसके हिसाब से। और यहाँ पर बॉर्डर जो है 3 पिक्सल विद है इसकी, 3 पिक्सल बॉर्डर की, और सॉलिड टाइप का आपको दिख रहा है, और ये कलर है, ठीक। और पैडिंग है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल पैडिंग का मतलब ये होता है कि पैडिंग आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट में जाइए, और आपको जाना है कंप्यूटेड में। यहाँ पे देखिए ये जो पैडिंग है कैसी दिखती है, ये जो आपका कंटेंट है कंटेंट के बाहर पैडिंग, पैडिंग से बाहर बॉर्डर, और बॉर्डर से बाहर कौन होता है, मार्जिन होता है। तो पैडिंग जस्ट जो आपका कंटेंट होता है HTML एलिमेंट में जो मौजूद कंटेंट होता है उसके जस्ट बाहर जो होता है वही पैडिंग होता है, उसी की ये साइज़ बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे 10 पिक्सल लिया गया है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको हाईलाइट करिए तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ये इसका कंटेंट है इस HTML एलिमेंट का, डिव एलिमेंट का। और जो इस ब्लू वाले से ऊपरी जो लाइन है ब्लू वाली उससे और इस ग्रीन वाले के बीच में जो एरिया है ये होते हैं पैडिंग की बॉर्डर है। बॉर्डर, ये बॉर्डर है ग्रीन बॉर्डर जैसा आपको दिख रहा है यहाँ बनाया गया। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या होता है, पैडिंग ही होता है, बीच वाला जो होता है पैडिंग होता है, जो सबसे मिनिमम होता है वही पैडिंग है यहाँ पर। तो ये जो आपको ये दिख रहा है इस साइड में यही आपका 10 पिक्सल पैडिंग है, तो इस हिसाब से होता है। और उसके बाद है कि अभी तो आपने HTML एलिमेंट को अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से सेंटर में किया ओरिजेंटली, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट है जो डिव एलिमेंट था उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सेंटर अलाइन टेस्ट यानी कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को, जिसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं सेंटर। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, तो ये देखिए इसको बड़ा छोटा करिए तब भी ये जो है इसके हिसाब से, क्योंकि ये जो कंटेंट है अपने HTML एलिमेंट जो है डिव है सेंटर क्लास वाला जो डिव है यहाँ पे जो दिया हुआ है सेंटर क्लास वाला डिव यानी ये डिव, इसके अंदर ये जो कंटेंट है ये हमेशा अपने डिव के हिसाब से सेंटर में रहेगा, और डिव जो है ऑलरेडी यहाँ पर सेंटर में है क्योंकि यहाँ पर विड्थ दी नहीं गई है। तो ये जो डिव है बॉडी के फुल विड्थ को कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है अपने डिव HTML एलिमेंट के हिसाब से सेंटर में है, और अगर आप यहाँ पर कर देते हैं सेंटर की जगह लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में भाग जाएगा, ठीक। ये जो लिखा हुआ ये आपको इस साइड में यहाँ पे दिखाई देगा, और राइट में करेंगे तो ये इस साइड में जाके दिखाई देगा। इस हिसाब से हॉरिजॉन्टली आप इसकी पोजीशन को यानी टेक्स्ट की पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डिव एलिमेंट है, सेंटर क्लास से संबंधित जो डिव एलिमेंट है, उसके अंदर ये टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करता है, टेक्स्ट अलाइन। तो यहाँ पर वैल्यू हमें चेंज करनी होती है। उसके बाद है कि किसी इमेज को सेंटर कैसे करते हैं। तो इमेज को सेंटर करने का तरीका क्या होता है, आपको लेफ्ट राइट जो मार्जिन होते हैं उनको ऑटो सेट करना होता है, और इसे ब्लॉक एलिमेंट टाइप का नेचर देना होता है। यानी कि इमेज है तो आप IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे, IMG एलिमेंट का, तो उस IMG एलिमेंट को आपको ब्लॉक एलिमेंट जैसा ट्रीट कराना है। तो इसका मतलब है सिंपली कि आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसमें आप वैल्यू डालेंगे ब्लॉक। यानी ये इन लाइन टाइप के जो एलिमेंट है इनको आपको ब्लॉक टाइप का दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट दोनों आपको ऑटो रखना है, क्योंकि इमेज को सेंटर करना है और डिस्प्ले में आपको ब्लॉक रखना है। ये तीन चीज़ें आपको मुख्य रूप से करनी है। और ये विद है, विद तो आप अपने हिसाब से सेट करना, जितना भी सेट करना चाहते हैं कर दीजिए। इसके बाद है कि आप एलिमेंट को लेफ्ट राइट अलाइन भी कर सकते हैं, इसमें आप पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग इसको करते हैं, पोजीशन में जब आप देते हैं एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि ये जो इसका नियरेस्ट अनसेस्टर होता है, यानी कि राइट क्लास वाला जो एलिमेंट है, तो राइट क्लास वाला एलिमेंट कौन सा, डिव। तो इस डिव का जो नियरेस्ट अनसेस्टर होता है, यानी कि इसका नियरेस्ट अनसेस्टर कौन है, बॉडी है, तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन सेट होती है। और इसकी पोजीशन को सेट कौन करता है, ये जो राइट है, विद है, ये इसकी पोजीशन को सेट करते हैं, ठीक। किसके हिसाब से, नियरेस्ट अनसेस्टर के हिसाब से, ठीक है। तो बॉडी के हिसाब से ये राइट में 0 पिक्सल चला जाएगा, और विद कितनी हो जाएगी, ये 300 पिक्सल हो जाएगी। तो यही चीज़ ये बता रहा है। तो 300 पिक्सल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब अगर आप करिए ग्रीन पे ले आइए तो देखिए यहाँ पर लगभग 300 पिक्सल आ रहा है। और 10 पिक्सल भी दोनों साइड में ऐड होगा ना, तो ये 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है, जो कि फाइनली एलिमेंट की साइज़ को बता रहा है। तो कितना हो जाएगा, और ये बॉर्डर भी है तो 3 3 6 पिक्सल दोनों साइड में, इस साइड में 3 पिक्सल, इस साइड में 3 पिक्सल, जो बॉर्डर की विड्थ है, तो 6 पिक्सल हो गया। और 10 और 10 दोनों साइड में, 10 इस साइड में, 10 इस साइड में, तो 20 हो गया। तो टोटल जो है 26 हो गया, और 300 में 26, यानी 326 टोटल विड्थ हो गई इस राइट क्लास वाले डिव की। इसलिए जब आप यहाँ पे बहुत नज़दीक ले जाएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखेगा, एग्जैक्ट नंबर लगभग दिखेगा विड्थ का। तो इस तरीके से होता है ये। इसमें मेन यही है कि पोजीशन एब्सोल्यूट दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सेट कर लीजिए कि कितना आपको राइट और विड्थ देनी है। बॉर्डर तो आपको पता ही होगा, विड्थ तो, पैडिंग तो आप जानती हैं। अब पोजीशन के अलावा हम लोग राइट या लेफ्ट में अलाइनमेंट कर सकते हैं फ्लोट की भी मदद से, ठीक है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की, जिसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू डाला था ऊपर जो किया था, और यहाँ पर आप फ्लोट प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एस्टीमेट एलिमेंट को राइट या लेफ्ट अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई, इसमें इसने किया है राइट, और विड्थ दी है 300 पिक्सल, और बाकी बॉर्डर पैडिंग है, तो उस हिसाब से इसमें भी इसी टाइप का ये काम करता है। तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए या फिर पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, जिसमें आप एब्सोल्यूट देते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, कभी कभी होता है कि एक एलिमेंट के अंदर आपने दूसरा एलिमेंट डाल रखा है, और जो अंदर वाला एलिमेंट है उसकी साइज़ बड़ी है, तो वो स्मॉलर एलिमेंट्स से बाहर की ओर चला जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्लियर फिक्स हैक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सीडो एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर, तो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर आफ्टर, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि इस क्लास से संबंधित जो एलिमेंट है उसके कंटेंट के लास्ट में, आफ्टर मतलब उसके लास्ट में, ये कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा, और ये ऐड किया जाएगा, और ये बैठेगा कहाँ पर, ये बैठता है जो पोजीशनिंग एलिमेंट होता है, यानी क्लियर फिक्स से संबंधित जो एलिमेंट HTML एलिमेंट है उसके दोनों साइड में ये बैठेगा, और उसके जस्ट नीचे बैठेगा। इसलिए आपने क्लियर में बोथ दिया हुआ है। और इसका बिहेव कैसा रहेगा, टेबल की तरह, इसको डिस्प्ले एज टेबल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका बिहेव रहेगा टेबल जैसा। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को ऐड करते ही आपका जो ओवरफ्लो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है किसी एक लेक्चर में, शायद ये HTML में है या फिर इसी में होगा, किसी में हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे यहाँ पर ये इमेज है, ये इस कंटेनर एलिमेंट के, यानी जो कंटेनर है उसके अंदर आपको ये जो ग्रीन वाला कंटेनर है, तो ये देख लेते हैं किससे बना हुआ। ये ग्रीन वाला कंटेनर आपका बना हुआ यहाँ पर,
जहाँ पर आपको ये डिव है, यही कंटेनर एलिमेंट है। और इसके अंदर एक तो आपकी इमेज दिख रही है और दूसरी आपकी ये चीज़ दिख रही है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यही जो है इसी डिव से बाहर ये इमेज जा रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपके डिव में दिख रही है लेकिन जो इमेज है वो बाहर जा रही है। ये चीज़ आपको पहले वाले एग्जाम्पल में दिख रहा है। अब दूसरे वाले में समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इसने दूसरा जो डिव है वो क्लियर फिक्स वाला डिव है, क्लियर फिक्स क्लास वाला डिव है, इसमें भी इसी इमेज को लिया गया और वही सेम कंटेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस क्लियर फिक्स से संबंधित जो ये डिव है जिसके अंदर इमेज और कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, इमेज और कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पर इसको इसने संभालने की कोशिश की है और इसके अंदर सीडो एलिमेंट सिलेक्टर का इस्तेमाल किया है। और इसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि यही जो कंटेंट है इसको ऐड किया गया है, जो पोजिशनिंग एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो ये इमेज है ये पोजिशनिंग एलिमेंट है, और इसी के ऊपर, इसी के नीचे और लेफ्ट राइट दोनों साइड में कंटेंट को, यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है उसको बैठाया जा रहा है, ठीक। और उसका बिहेव क्या रहेगा, डिस्प्ले एज टेबल, इसीलिए ये इसकी वजह से जो ओवरफ्लो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है उस इमेज का, ठीक है। तो ये इमेज का ओवरफ्लो नेचर इसी CSS की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये जो इमेज है कम्प्लीटली इस ग्रीन बॉर्डर वाले डिप के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो दोनों कंटेंट अंदर आ जा रहे हैं, ये भी और ये इमेज भी। इसके बाद ये बता रहा है कि देर आर मेनी वेज टू सेंटर एन एलिमेंट वर्टिकली इन CSS। CSS में बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी HTML एलिमेंट को वर्टिकली सेंटर में कर सकते हैं। सबसे पहला इसने बताया है कि आप टॉप बॉटम पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को सेंटर में करने के लिए, वर्टिकली सेंटर में करने के लिए। तो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को इसने बताया है, तो यहाँ पर सेंटर क्लास वाला एक HTML एलिमेंट है, तो सेंटर क्लास वाला HTML एलिमेंट कौन सा, ये डिव एलिमेंट है। और इसी के अंदर जो एक कंटेंट है जो कि एक पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मौजूद है, तो इसके ऊपर इसने अप्लाई किया है पैडिंग। ये टॉप बॉटम पैडिंग है, टॉप और बॉटम दोनों पैडिंग इसने 70-70 पिक्सल रखी है, और ये लेफ़्ट राइट पैडिंग इसने 0 पिक्सल रखी है, इसलिए लेफ़्ट और राइट पे इसने आप देखे होंगे यहाँ पर ये 0 पिक्सल है क्योंकि ऐड जुड़ा हुआ है एकदम, और ऊपर नीचे इसने 70 पिक्सल रखी है। अगर थोड़ा सा आप इसको बड़ा करेंगे 90 पिक्सल, तो देखिए ये ऊपर नीचे वाला, यानी ये जो कंटेंट है इसके ऊपर और इसके नीचे, ये थोड़ा सा एरिया ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए बढ़ गया एरिया। उसके बाद बॉर्डर है 3 पिक्सल का, सॉलिड टाइप का, ग्रीन टाइप, ठीक है। तो इसका बॉर्डर भी आपको डिप का बॉर्डर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, और सॉलिड टाइप का है और 3 पिक्सल मोटा है, तो मोटाई इसकी दिख रही होगी। तो ये होता है इस तरीके से। इसके बाद बोल रहा है कि अगर आपको जो कंटेंट है HTML एलिमेंट के अंदर मौजूद जो कंटेंट होता है, अगर उसको आप सेंटर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों, तो आपको पैडिंग के साथ साथ आपको टेक्स्ट अलाइन भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पर पैडिंग इसने 70 पिक्सल 0, और ये टॉप बॉटम पिक्सल है, टॉप से 70 पिक्सल और बॉटम से 70 पिक्सल, और ये लेफ्ट राइट 0, लेफ्ट राइट जो पैडिंग होती है वो 0, और ये टेक्स्ट लाइन इसने सेंटर कर रखा है। तो इतने से क्या होता है, आपका ये जो कंटेंट है ये एकदम सेंटर में आ जाता है, ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। इसके बाद ये बता रहा है कि अगर आपको वर्टिकली सेंटर में करना है तो आप लाइन हाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। तो इसमें भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। लाइन हाइट में, लाइन हाइट में आपने 200 पिक्सल दिया, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो हाइट है जो कि आपके HTML एलिमेंट की हाइट को बताता है, यानी इस सेंटर क्लास से संबंधित जो HTML एलिमेंट है उसकी हाइट को ये बता रहा है 200 पिक्सल। तो लाइन हाइट में भी आपको इसी हाइट की वैल्यू रखनी है, यानी कि 200 पिक्सल यहाँ पर है तो आपको लाइन हाइट में भी 200 पिक्सल रखना है। बस यही चीज़ इसमें ध्यान रखने लायक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद ये बता रहा है कि वर्टिकली सेंटर करने का एक और तरीका है, अगर आप पैडिंग और लाइन हाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म और पोजीशन एलिमेंट का इस्तेमाल करिए, मतलब पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी आप किसी भी एलिमेंट को वर्टिकली सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, तो जैसे आपने पोजीशन इस्तेमाल किया एब्सोल्यूट, और उसके बाद जब पोजीशन इस्तेमाल करेंगे एब्सोल्यूट, तो आपको टॉप और लेफ्ट जो भी है वो तो देना ही पड़ेगा कि आप टॉप से कितने परसेंट डाउन करना चाहते हैं HTML एलिमेंट को, और लेफ्ट से कितने परसेंट राइट की ओर करना चाहते हैं।
तो दोनों 50% 50% है। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू किसके होता है, जो इसका जो नियरेस्ट अनसेस्टर कंटेनर होता है जिसके अंदर ये वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट मौजूद है, ये किसके अंदर मौजूद है, सेंटर क्लास वाला जो जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसके, वो कंटेनर की तरह काम कर रहा है पैराग्राफ एलिमेंट के लिए। तो इसी पैराग्राफ एलिमेंट को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पोजीशन में एब्सोल्यूट और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन डिफाइन करते हैं। और एक और आपको इस्तेमाल करना है ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, इसमें आप ट्रांसलेट इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर आप देते हैं -50% -50%। और यहाँ पर मार्जिन जीरो लिया आपने, यानी कि जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसका मार्जिन कितना है, जीरो। ठीक, तो इस हिसाब से है ये, तो पैराग्राफ जो है वो मार्जिन जीरो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहता है, मतलब इसके बॉर्डर से बाहर, ये पैराग्राफ एलिमेंट का जो बॉर्डर है उससे बाहर वो स्पेस नहीं लेना चाहता, बल्कि डायरेक्ट जो है इस सेंटर क्लास वाले एचटीएमएल एलिमेंट से ये टॉप और बॉटम कैलकुलेट करना चाहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जीरो लिया गया और ये कुछ इस तरीके का है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये जो चीज़ है ये वर्टिकली आपको वर्टिकली जो है ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। और यहाँ पर जो ये दूसरा दिया हुआ है तो ये जस्ट ब्राउज़र सपोर्ट के लिए है, दूसरे जो ब्राउज़र है उनके सपोर्ट के लिए, कि अगर कोई ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी जो है उसको रीड नहीं कर पा रहा है तो वो इस डैश एमएस डैश ट्रांसफार्म प्रॉपर्टी को रीड करके ब्राउज़र ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करा सके। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है इसको हमारा जो ब्राउज़र है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी भी आपका आउटपुट सेम रहेगा, तो यही चीज़ है। और इसके बाद ये सेंटर क्लास वाला जो डिव एलिमेंट है उसके ऊपर भी अप्लाई किया गया, तो हाइट उसकी 200 पिक्सल रखी गई, पोजीशन रिलेटिव रखी गई है, और बॉर्डर जो है 3 पिक्सल मोटा और सॉलिड टाइप का, ग्रीन टाइप का, वो आपको दिख भी रहा होगा। ये डिव है, डिव के अंदर ही आपका ये पैराग्राफ एलिमेंट है जिसका कंटेंट आपको वर्टिकली सेंटर में दिख रहा है, किसकी मदद से, पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से और ट्रांसफार्म की मदद से। और जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो है बताने पड़ते हैं कि क्या कि किस हिसाब से आप एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देनी मस्ट होती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी देना होता है, ज़रूरी होता है देना। इसके बाद ये बता रहा है कि सेंटर वर्टिकली यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, तो फ्लेक्स बॉक्स जो होता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्लेक्स बॉक्स टू सेंटर थिंग्स, सेंटर में करने के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में अगर आप फ्लेक्स डालते हैं तो इससे भी चीज़ें सेंटर में हो जाती हैं, और कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी होती हैं, जैसे जस्टिफाई कंटेंट, इसको आपको सेंटर करना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स सेंटर करना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी में सेंटर वैल्यू डालिए, जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर वैल्यू डालिए, हाइट और बॉर्डर तो है ही, इस हिसाब से होता है ये। तो फ्लेक्स डिस्प्ले में फ्लेक्स का इस्तेमाल कर दोनों एक्सिस में ये सेंटर करने का काम करता है, जब आप इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को और अलाइन आइटम्स को, और इसके साथ साथ डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जिसमें वैल्यू डालते हैं फ्लेक्स। तो इन तीन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो आपका कंटेंट होता है वो सेंटर में आ जाता है। और ये दिया हुआ है फ्लेक्स बॉक्स के लिए आपको CSS का फ्लेक्स बॉक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो सारी चीज़ें एडवांस हैं, तो एडवांस में हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तो ये फ्लेक्स बॉक्स है जो कि एडवांस वाले CSS एडवांस वाले एरिया में है, तो ये सब आगे हम लोगों को मिलने वाली हैं।